हे गाइस, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे। सॉलिड स्टेट का एक और लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए। इससे पहले लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि जब हम 2D से 3D में जाते हैं तो एक वर्ग वाला बताया था वर्ग 2D से 3D में कैसे जाते हैं, और षटकोण वाला मैं आपको बता रहा था कि षटकोण 2D से 3D में कैसे जाते हैं। और उसमें से जब मैंने आपको पहली लेयर बताई थी तो फर्स्ट लेयर के ऊपर जब हम सेकंड लेयर रखते हैं तो दो टाइप की वर्ड्स आती हैं, एक आती है टेट्राहेड्रल वर्ड्स और एक आती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये फर्स्ट लेयर है जिसको मैंने ए लेयर माना है, और जो बी लेयर है वो ए लेयर के जैसी तो है नहीं बिल्कुल भी। मतलब पहले लेयर और दूसरे लेयर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सेम नहीं है ना, इसीलिए इसको ए लेयर मान लिया था। जिसको ये जो दिख रहा है ये आपकी बी लेयर थी। जब हम ए लेयर के ऊपर बी लेयर रखते हैं तो वहां पर दो टाइप की वर्ड्स आपको दिख रही थी। एक तो था आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ये जो आपके ये आपकी जितनी भी वर्ड्स दिख रही हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं, ठीक है। कैसे बनती हैं इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना, आपको मैंने सब क्लियर बता रखा है। और एक और यहाँ पे वर्ड्स बन रही थी, वो बन रही थी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जहां पर 6 गोलों के केंद्र मिलते हैं उसमें हमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मिलते हैं, यानी कि दो त्रिकोणी एक का सिरा ऊपर और एक का सिरा नीचे हो जाए, तो इस प्रकार की जो वर्ड्स बनती है वो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक त्रिकोणी का सिरा ऊपर की ओर है, ये त्रिकोणी बनी, और एक त्रिकोणी का सिरा यहाँ नीचे की ओर है, तो ऊपर की ओर और नीचे की ओर त्रिकोण यहाँ पर बीच में जो वर्ड्स देती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स देती है, मैं आपको पहले बता चुका। तो एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ही हो गई, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो गए, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो गए, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो गए, ये सारी की सारी आपकी क्या है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहां तक तो मैं आपको बता चुका था लास्ट लेक्चर तक कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कैसे बनती हैं। उसके बाद मैंने एक और बात बताई थी, अगर मुझे टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ढकना हो तो कैसे ढकते हैं, लास्ट लेक्चर में देख लेना, HCP बनता है। इस क्लास में जो बचा हुआ था मुझे बताना आपको कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ढकें तो क्या बनने वाला है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स ढकने पर तो हमें HCP मिल रहा था, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को अगर हम ढकेंगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं कि जो ए लेयर आपको दिख रही है और जो बी लेयर दिख रही है उसका पैटर्न देखते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, जो नीचे ए लेयर है, ए लेयर ये जिसको मैंने ब्लू ब्लू कलर के चौक से लिया है, उस ए लेयर में आप ये वाला गोला देखो, ये सेंटर वाला गोला मैं जिसको हम ले रहे थे लास्ट लेक्चर में, मैंने इसी को लिया था। इस वाले गोले को आप देखो, ये सिंगल वाला गोला देखो, इस सिंगल वाले गोले को आप देखोगे तो इसके एक यहां पर और एक यहां पर, यानी कि इसके किनारों को देखो तो इसके किनारों पर आपको क्या दिख रहे होंगे, तीन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दिख रही होंगी, दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई जो ए लेयर है उसका मैंने ये वाला गोला ले लिया नीचे वाला, ठीक है, इसका मैंने ए लेयर का मैंने सिंगल वाला गोला ले लिया, जिस सिंगल वाले गोले के इधर तीन जगह पर क्या बन रही है, तीन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बन रही हैं। तो ए लेयर का तो मैंने ये ले लिया भाई, ये ए लेयर है और ए लेयर का मैंने सिंगल वाला गोला ले लिया आपके लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बन रही हैं ये बन कैसे रही है? एक बार ये देखो ध्यान से, देखो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इस प्रकार से बन रही है, देख षटकोणीय है तो ये 6 ऐसे तो घिरा हो गई होगा, है कि नहीं, वो तो छोड़ो, हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसके ऊपर हम कितने पार्टिकल रख रहे हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बना रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो बनी है, ये देखो ये गोला ये दिख रहा होगा आपको, पहला वाला गोला, दूसरा वाला गोला ये दिख रहा होगा आपको, तीसरा वाला गोला ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहे हैं ये तीन गोले, और नीचे के दो गोले देखो लाल लाल कलर के जो हैं, एक गोला ये और एक गोला ये, तो एक दो तीन गोले ऊपर के और दो गोले नीचे के, इन्होंने दो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनाए। उसके बाद ये तीसरी जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनी है, देखो तीन गोले ऊपर थे, दो गोले नीचे थे, और उसके नीचे सिंगल गोला एक और, इस प्रकार से मैं पैटर्न देखूं तो एक सिंगल गोला नीचे है, उसके ऊपर दो गोले हैं, ठीक है, या दो अव्यवीकरण एक ही बात है, और इसमें एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनी, फिर इन दोनों के ऊपर तीन और आपके अव्यवीकरण मैंने लगाए तो दो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यहाँ पर आपको और दिख रही होंगी। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जनरली बन कैसे रही है कि एक सिंगल पार्टिकल नीचे है और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिए हैं, इस प्रकार से
एक ये पहले नीचे की ओर सिंगल गोला, उसके ऊपर दो गोले बिल्कुल ऐसे टच करवा दो, और इनके ऊपर एकदम तीन गोले और, ठीक है। तो एक सिंगल गोला ये है, फिर इसके ऊपर मैंने छह गोले इस प्रकार से लगाए कि एक दो फिर तीन ऊपर। तो इस प्रकार से हम देखें कि सिंगल गोले के ऊपर छह गोले हमने लगाए, तो आपको जो वर्ड्स मिल रहे हैं वो किस प्रकार की वर्ड्स मिल रहे हैं, यहाँ पर तीन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मिल गए हैं। मिल गए कि नहीं मिल गए? तो क्या ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न सेम है? तो बिल्कुल नहीं भाई, ये ए लेयर थी और ये बी लेयर है, और दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों एक जैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न बन जाएगा आपका वो बी बन जाएगा, ठीक है। तो ये ए बी पैटर्न हो गया, अभी ये ए लेयर थी ये बी लेयर थी। अब हमें क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढकना है। ध्यान से रखना, ध्यान से देखना इस चीज को, मुझे क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढकना है, ठीक है। अब अगर हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढकने जाएंगे तो ढकना स्टार्ट करते हैं हम। भाई सबसे पहली बात है, इस वाले ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढको। तो इस वाले ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढकने जाओगे तो कुछ इस प्रकार से गोला आएगा बड़ा सा, जो बिल्कुल इसको ढक देगा। ये वाले ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ढकी, देखो ध्यान से देखना है, ये येलो चौक है, ये आपका ढक गया आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब इस वाले ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढकोगे तो ये ढक गई जी, ये वाली ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी ढक गई। देखो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ढकी, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ढकी। अब मुझे ये वाली ढकनी है, तो ये वाली अगर मैं ढकूंगा तो एक और गोला मैं यहाँ पर आपके लिए बना करके रख देता हूँ। ये आपकी एक और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ढक गई, ढक गई। आपको दिख रहा होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स तो यहाँ भी है भाई, मुझे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स तो रखनी है, मुझे तीसरी लेयर रखनी है ना, मुझे सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स रखनी है, तो मैं कैसे लेयर रखूंगा भाई? इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढका, इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, इसको भी ढकना हो तो एक और लेयर मैं ऐसे बना सकता हूँ। लो जी, ये वाली ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी ढक गई। आप यहां पर एक चीज थोड़ा गौर से देखना, अगर मैं यहां पर एक और ब्लू पार्टिकल रख देता ऐसे करके, इस चीज को जरा गौर से देखना, और यहां एक और रेड पार्टिकल ऐसे लगा देता इस पे कुछ इस प्रकार से, और फिर इधर एक और पार्टिकल रख देता भाई, ऐसे तो रखूंगा मैं, ए लेयर के ऊपर मुझे बी लेयर रखनी है ना, तो आपको दिखेगा यहां पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही है? इस वाली ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को भी अगर मुझे ढकना हो तो मैं कैसे ढकूंगा? यहां से पार्टिकल आएगा और इसको ढकना है मुझे, तो ढक सकता हूं ऐसे कुछ इस प्रकार से। तो एक पार्टिकल ये रहा, दूसरा पार्टिकल ये रहा, तीसरा पार्टिकल ये रहा, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स थी, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स थी, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स थी, आगे भी ऐसे ढकती रहेगी, आप ढकना है आपको। मैं बस एक सिंगल यूनिट सेल के लिए आपको बना के दे रहा हूँ, बाकी तो मैंने पहले कहा ये क्रिस्टल लैटिक्स है पूरा का पूरा, है कि नहीं है? तो देखो ये वाली ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ढकी, ये वाली ढक गई, ये वाली ढक गई। इसके बाद ऊपर आ जाओ, ये वाली ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ढक गई, ये वाली ढक गई। अच्छा एक और चीज देखो, अगर यहां पर भी एक सिंगल पार्टिकल और होता ऐसे करके बड़ा सा, लेयर होती कि नहीं होती? और जो लेयर होती है उसमें जो गोला होता दो गोलों के गर्त में होता, होता कि नहीं होता? समझ रहे हो ना बात को? फिर यहां पर भी एक और ऐसे करके गोला आ रहा होता, यूं करके जो इसको टच करके जा रहा होगा, यहां पर भी एक गोला आ रहा होगा जो ऐसे करके टच करके जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? अब देखो, अब यहां पर सेकेंड लेयर अगर मैं रखूंगा तो सेकेंड लेयर में मुझे क्या मिलने वाला है? एकदम रेड रेड गोले, ठीक है, ऐसे लेयर जाएगी तो एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यहां भी बनेगी। ध्यान से देखो बनेगी कि नहीं बनेगी भाई? यहां पर भी एक दो तीन, तीन लाल गोले और तीन कौन से गोले हो गए आपके? नीले गोले। तो इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को अगर मैं ढकूंगा
तो कुछ इस प्रकार से मुझे एक और गोला इसके ऊपर रखना पड़ेगा। तो टोटली मैं कहूं कि अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढकने जा रहा हूं तो एक दो तीन गोले नीचे, फिर एक दो दो गोले ऊपर और एक और गोला ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से पैटर्न जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था वो नीचे से ऊपर की ओर जाने शुरू हो जाएंगे। मतलब जैसे हम देख रहे थे ना बी वाली लेयर में कि नीचे आ रहा था पैटर्न की तीन गोले, फिर दो गोले, फिर एक गोला, यहाँ उल्टा हो जाएगा। देखो ये पीले वाले गोले देखो जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढक रहे, ये एक गोला है, ये दूसरा गोला है और ये तीसरा गोला है, इसके ऊपर दो गोले और बना दो। ये दोनों के दोनों आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढक रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो गोले हैं ये भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढक रहे हैं, और जो ये सिंगल गोला है ये भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढक रहा है। अब आगे जाओगे तो ऐसा ही ऐसा पैटर्न आपको बार बार देखने को मिलने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि जो नेक्स्ट लेयर है वो कैसे आने वाली है, देखो कुछ इस प्रकार से आएगी कि तीन गोले पहले नीचे है जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढक रहे हैं, ये देख लो एक दो और तीन, एक दो तीन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढक रहे हैं, फिर दो गोले ऊपर हैं इनके जस्ट गर्त में जो दो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढक रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये रहा आपका एक गोला और ये रहा आपका दूसरा गोला, और फिर ऊपर एक और गोला है जो एक और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढक रहा है, यानी कि ये जो पैटर्न है बिल्कुल बी पैटर्न के उल्टा हो गया। तो मैं कह सब बी पैटर्न या बी लेयर, तो ये मानक ए लेयर है ये बी लेयर है, तो क्या ये दोनों सेम है, तो बिल्कुल भी सेम नहीं, क्योंकि इसमें लेयर जो है तीन दो एक और यहाँ ऊपर की ओर तीन दो एक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जस्ट अपोजिट है ना ए लेयर। तो हम कह सकते हैं ये वाला पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, सी पैटर्न हो जाएगा। तो अब तक हमें ए बी सी पैटर्न मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मुझे एक और लेयर इसमें रखनी हो, तो भाई मैंने पहले कहा जैसे हम वहां टेट्राहेड्रल वर्ड्स रख रहे थे, ऐसे यहां पर हमें क्या करनी है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स रखनी है। अब मुझे ऑक्टाहेड्रल वर्ड ढकते जानी है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना मैंने कैसे कैसे बनाया, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, वैसे जरूरी नहीं कि ये चीजें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती हैं, ये चीज बहुत जरूरी है जो मैं यहाँ से डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। ये तो समझने वाली चीज है, और ऐसा कोई डायग्राम अगर आपको दे तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, कि आप आराम से बना सकते हो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो आप एक चीज देखो, सेंटर पर एक और जिसको मैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स कह रहा था ना इससे पहले तक, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में कन्वर्ट हो चुका है, अगर आपको दिख रहा होगा सेंटर पे देखो, ये वाली त्रिकोणी और ये वाली त्रिकोणी, बस इस पे फोकस करो आप, ये गोला है नीचे, इसके ऊपर दो त्रिकोणी बन गई है, तो यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स तैयार हो गई है कि नहीं हुई है। अब बस मुझे इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढकना है। आप एक और चीज देखो, इस गोले को देखो, बड़े ध्यान से देखना इस गोले को, इस गोले में भी अगर आपको दिखेगा तो आपको एक और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मिलने वाली, क्योंकि भाई ये पीले वाला गोला आगे भी बढ़ता रहेगा, तो यहां भी एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे इस पे भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मिल जाएगी, मतलब जो पहले लेयर का गोला है ना उसके ऊपर ऊपर आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दिख रही होंगी। बड़े ध्यान से देखो, ये देखो जिस पे मैं चौक फेर रहा हूं, ये पहली वाली लेयर का गोला है, इसमें दूसरी वाली लेयर का गोला जो था जिन्होंने आपका एक त्रिकोणी दी थी जिस पे मैं चौक लगा रहा हूं, ये दूसरी लेयर के गोले हैं, और ये वाले गोले आपके तीसरी लेयर के हैं जिन्होंने उल्टी वाली त्रिकोणी दी थी, मतलब इसके विपरीत वाली त्रिकोणी, इसके ये वाली त्रिकोणी दिख रही है, इस वाली त्रिकोणी के विपरीत त्रिकोणी ये है, इन दोनों ने एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनाया है और वो बिल्कुल पहली वाली लेयर के ऊपर बना। तो आप समझ रहे होंगे अगर मैं इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढकने जाऊंगा तो ये गोला जो है ये सीधा सीधा इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाली ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ढक जाएगी, यानी कि जो आपकी ए लेयर है वो आपको यहां फिर से मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से पैटर्न हमें तैयार हो जाता है कि ए लेयर के ऊपर बी लेयर रखने पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनी, और बी लेयर के ऊपर सी लेयर रखने पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड ढकी, फिर से एक और नई ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनी जिनको ढकने के लिए मुझे ए लेयर की जरूरत पड़ी। अब इसके ऊपर फिर से आप बनाओगे तो ये वाली लेयर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनाएगी, ये वाली फिर से उसको ढकेगी, और फिर उसके ऊपर जो एक सिंगल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स सेंटर पे बनेगा उसको ये वाला गोला ढकने लग जाएगा। तो इस प्रकार से पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां तक हमें पता चल गया है कि भाई ये वाला पैटर्न हमें मिला है जिसमें ए बी सी मिला है, फिर से ए आया है, अब ए आया है तो फिर से बी आएगा तो फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। तो अब जो पैटर्न चलने वाला है ए बी सी चलने वाला है, पहले वाले में ए बी चल रहा था जिसमें हमने एचसीपी बनाया था जिसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, ठीक है।
अब इस स्ट्रक्चर को मैं यहां पुट करता हूं कि ये स्ट्रक्चर कौन सा बना है, इसको मिटा दे रहा हूं, आप इसको अच्छे से देखना। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन सा पैटर्न है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कौन सा पैटर्न है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं ये एफसीसी है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढकते हैं तो आपका एफसीसी तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? एफसीसी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये किस एंगल से एफसीसी लग रहा है, तो छोड़ो किस एंगल से लग रहा है वो बात छोड़ो, आप सीधे एफसीसी बना के देखो कि एफसीसी कैसा होता है, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि ये कैसे बना है। भाई एफसीसी के बारे में तो हर एक स्टूडेंट जानता है, क्या होता है एफसीसी, ये पढ़ा पढ़ा के तो मैंने आपको अब तक लेक्चर में यही तो पढ़ा रहे हैं, एफसीसी बीसीसी ईसीसी यही तो आ रहे हैं। एफसीसी में अभिभिकरण कहाँ कहाँ होते हैं बस इतना ध्यान रखो भाई, एक तो होते हैं आपके कोनों पर, ठीक है, तो ये रहे आपके कोनों के पार्टिकल्स, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर पाए जाते हैं आपको अच्छे से पता है, एक तो सेंटर पर पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसा करता हूँ इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट ये वाला पैटर्न आपको बताना है ना, तो ये वाला एग्जैक्ट पैटर्न तभी आएगा जब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा बना दूं मैं। देखो भाई अभिभिकरण कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, एफसीसी में बार बार बताने की जरूरत नहीं है, फेस के सेंटर पर भी होते हैं, तो चार सेंटर ही हो गए फेस के, और एक फ्रंट वाला फेस ही हो गया और एक बैक वाला फेस ही हो गया, यही तो होता है एफसीसी। अब बस कुछ मत करो, ये वाला देख लो, ये सिंगल गोला आपका कौन सी लेयर बना रहा है, ए लेयर, ये नीचे सिंगल गोला कौन सी लेयर बना रहा है, ए लेयर, और ये ऊपर वाला जो सिंगल गोला है ये भी कौन सी लेयर बना रहा है, ए लेयर। क्लियर हुआ भाई, ये ए लेयर ये ए लेयर, फर्स्ट वाली लेयर और फोर्थ वाली लेयर सेम हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। सेकंड में आपको क्या मिल रहा है, छह पार्टिकल्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हैं, तो आप देख सकते हो छह पार्टिकल कैसे जुड़े हैं। देखो तो ये आया सिंगल पार्टिकल, ये वाला सिंगल पार्टिकल, फिर ये वाला पार्टिकल ये रहा आपका दो, फिर ये वाला पार्टिकल रहा आपका ये तीन, ठीक है। इन तीन पार्टिकल से दो पार्टिकल टच होते हैं, तो ये दोनों पार्टिकल इससे टच होते हैं कि नहीं होते हैं आपको अच्छे से पता है, होते हैं, बता चुका हूं पहले, कोऑर्डिनेशन नंबर बताए, तो ये दोनों पार्टिकल रहे साहब एक दो तीन पार्टिकल, एक दो तीन पार्टिकल, तीन के नीचे दो पार्टिकल, ये दो पार्टिकल, ये दो पार्टिकल। अब सिंगल पार्टिकल, ये रहा आपका सिंगल वाला पार्टिकल, ये वाला, तो सिंगल सिंगल के ऊपर डबल, डबल के ऊपर ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल, कौन सी लेयर बनी, बी लेयर, सी लेयर बनानी है। ध्यान से देखो, ये वाला सिंगल पार्टिकल, ये वाला एक और ये रहा तीसरा, एक दो तीन, एक दो तीन, फिर इनसे जुड़े हुए दो पार्टिकल, ये एक और ये दो, ठीक है, और ये आपका ऊपर वाला सिंगल पार्टिकल तीसरा, तो ये कौन सी लेयर हो गई आपकी, सी लेयर, तो ये ए लेयर बी लेयर सी लेयर ए लेयर, ए लेयर बी लेयर सी लेयर ए लेयर, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है क्या कहलाता है आपका, एफसीसी कहलाता है। सो एफसीसी भी बन गया, तो हम बता सकते हैं कि षटकोणीय द्विभुज में निविड संकुलन से जब हम त्रिभुज में निविड संकुलन में जाते हैं तो हमारे पास दो टाइप की जो आती है रिक्तिकाएं आती है, रिक्तिका का नाम तो त्रिकोण ही होता है, सॉरी जब द्विभुज में निविड संकुलन देखते हैं तो वहां पर हमें दो टाइप की वर्ड्स मिलते हैं, एक त्रिकोणी जिसका सिरा ऊपर की ओर होता है, एक नीचे की ओर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद जब हम लेयर रखना शुरू करते हैं एक के ऊपर बी लेयर, तो दो टाइप की वर्ड्स बनती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ढकना होता है, अगर हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ढकेंगे तो एचसीपी बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढकेंगे तो क्या बनेगा, एफसीसी बनेगा। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। पहले के पहले मैंने आपको लेक्चर जो है उस सब में मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। अब इस लेक्चर को थोड़ा अच्छे से देखना, थोड़ा सा कंजेस्टेड स्ट्रक्चर है भाई, देखो ना अभी 2D बोर्ड है और उसमें
हर एक चीज को इतने अच्छे से डायग्रामेटिकली बनाना इतना आसान नहीं होता है, फिर भी मैंने आपको बना के दिखाया है अच्छे से, ठीक है। आप इसको एक बार दो बार रिपीट कीजिए, उसके बाद ही आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। बट देखो, अगर मैं बात कहूँ कि क्या इसमें से क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल क्वेश्चन आता है। साल तो मुझे ध्यान नहीं है, शायद 18-19 का पेपर होगा, पेपर मैंने आपको दे रखे हैं, आप उसमें से देख लेना क्वेश्चन। उसमें एक द्विविमीय निविड़ संकुलन जो है, षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन का एक डायग्राम पूछा है, षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन का डायग्राम पूछा, आई थिंक 14वां या 15वां क्वेश्चन है वो, 2019 में ही आना चाहिए, 2018-19 का पेपर होगा, आप आराम से उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। अब आप कहो कि सर वो वाला क्वेश्चन बनेगा जो अभी आपने इतना डीपली डायग्राम दिया, तो इतना डीपली तो चांसेस कम होते हैं, क्योंकि फिर तो वहीं पे बच्चा फंस के रह जाएगा एक नंबर के क्वेश्चन में, है कि नहीं। एक नंबर का ही डायग्राम आ सकता है, कौशल जिसको हम कहते हैं, तो ये वाला आपसे पूछ सकते हैं कि भाई FCC बना के दे दो, है कि नहीं है। पर मैंने आपको सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अब FCC तो तैयार हो गया आपका। अब जो मुझे मेन चीज है वो ये बतानी है कि वहां तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बन रही थी, जैसे जैसे बन रही थी, अगर हम इनमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स बना के देखें तो कैसे बनती हैं, और फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती है किसी यूनिट सेल में, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो हमें बता रहे हैं आपको कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन कैसे पुट करता है, मैंने आपको स्टार्ट में एक टाइम बताया था कि हमें सूत्र पूछता है, किसका सूत्र बताइए, इसका सूत्र बताइए, वो सारी की सारी बातें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये चीज तो समझ में आ गई होगी ना, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे देखना है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कैसे बनती हैं, उसके बाद मैं आपको टेट्राहेड्रल वर्ड्स बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ये रहा आपका एक FCC, ये रहा आपका FCC, ठीक है। अब इस FCC में देखो क्या होता है, अभी जहां पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनता है ना, मैं केवल वही चीजें बताने वाला हूँ, मतलब बाकी की चीजें नहीं बताऊंगा कि FCC में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। अब वो तो भाई आपको पता ही है कहाँ कहाँ होता है, तो मैं जो मेन मेन चीजें वही आपको अब यहाँ पे समझाऊंगा। देखो, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका फेस के ऊपर वाले सेंटर पर, एक नीचे वाले फेस के सेंटर पर, और चार फेस के सेंटर पर चार पार्टिकल होते हैं, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, एक नीचे वाले फेस पे रहता है, एक यहाँ वाले फेस पे रहता है, नहीं रहता है। और ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ऐसा डायग्राम होता है जिसमें मैंने आपको पहले कहा था भाई, एक तो स्क्वायर बन गया ऐसे, इसके ऊपर एक पार्टिकल इसके नीचे रख दो, तो ये आपका किस प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और इसके अंदर की जो वर्ड्स होती है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती है, मतलब छह पार्टिकल को मिलाकर के, छह पार्टिकल के केंद्रों को मिलाए तो वो आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनाएगा। तो यही तो बन रहा है यहाँ पे, देखो ये तो आपका स्क्वायर हो गया, ये चार पार्टिकल एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ते हैं कि एक स्क्वायर बना देते हैं, और फिर ये वाले जो पार्टिकल हैं, ये वाला नीचे वाला, इन चारों से अटैच्ड होता है, ध्यान आ रहा होगा मैंने आपको पहले ही बताया था, फेस का सेंटर जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर गिना रहा था, और ये ऊपर वाला भी तो इन चारों से टच होता है, तो बना के नहीं बना, बिल्कुल सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो आपका सीधा सीधा सेंटर पर बनता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को पूरा ऑक्टाहेड्रल नहीं लिखना चाहिए आपको, आप सीधे OH लिख सकते हो, जिस प्रकार से टेट्राहेड्रल वॉइड्स को TD लिखते हैं, उस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को OH लिखते हैं। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पर बन रहा है, बिल्कुल सेंटर पर FCC के, ठीक है। ये ऊपर का फेस, नीचे का फेस, किनारे के फेस और आगे पीछे के फेस मिलकर के एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तैयार करता है, यहां तक तो क्लियर हो गया। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो आपका बनता है बिल्कुल सेंटर पर FCC के, ठीक है। अब और कहीं बन सकता है क्या, तो बिल्कुल बन सकता है। अब यहां तक तो पता चल गया ना आपको कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनते कैसे, बस अब मैं बनाते जाऊंगा आप देखते जाओ, फिर से FCC तैयार कर लेते हैं। ये रहा आपका FCC, FCC में पार्टिकल कैसे कैसे होते हैं, अब मैं वो बार बार नहीं बताने वाला कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां रखे होते हैं, वहां रखे होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब बस मैं आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बना बना करके दिखाऊंगा। ये
ये देखो आपको अच्छे से पता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देखें तो कॉर्नर पर भी तो होते हैं, पता है ना आपको, और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ होते हैं, फेस के सेंटर पर भी होते हैं। अब ये वाला एड्स देख लो आप, ये वाला किनारा देख लो, इस वाले किनारे में आप लोग देखोगे भाई क्या ये यूनिट सेल ही रहती है क्या, अकेले नहीं रहते ना भाई, क्रिस्टल जालक रहता है कि नहीं रहता है? आपको अच्छे से पता है, तो आगे भी तो कोई क्रिस्टल कोई यूनिट सेल इससे जुड़ी होगी ऐसे करके, होगी कि नहीं होगी? और उस यूनिट सेल के इस वाले सेंटर पर भी तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, बिल्कुल होगा जी, आप अच्छे से जानते हो। पर इस वाले सेंटर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, इस सेंटर पर भी, इधर भी है, इधर भी है। अच्छा ऊपर नहीं होगी क्या यूनिट सेल? ऊपर भी तो होगी ना, तो ऊपर भी तो बना सकते हैं भाई, यूनिट सेल यहाँ ऊपर भी तो होगी ऐसे करके। अब अगर यूनिट सेल ऊपर होगी तो इसके सेंटर पर भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? तो अब देखो ये वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल चारों के चारों मिलकर के क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, और नीचे वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन चारों से ऐसे जुड़ जाएगा, यूं करके ये जुड़ गया, और ऊपर वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी इन चारों से ऐसे जुड़ जाएगा। तो यहां पर देखो एक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको मिली, और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पे मिली, एड्स के सेंटर पर, यानी कि अगर हम कहें कि किनारे जो होते हैं उनके सेंटर पर भी क्या होती है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है। तो आपको ध्यान आ रहा होगा मैंने कहा था जो कॉर्नर के जो पार्टिकल होते हैं एफसीसी में वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो बात समझ में आई, ये दोनों एक दूसरे को टच क्यों नहीं करते हैं भाई, यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी तो है बीच में, है कि नहीं? तो अभी देखो इसमें कितने एड्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था एक यूनिट सेल में 12 किनारे होते हैं। अब 12 के 12 किनारों पर अगर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा तो आप सोच रहे होंगे टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 13 हो जाएंगे, एक सेंटर पर है और 12 एड्स के सेंटर पर, तो आप बिल्कुल गलत हो। मैंने एक और चीज भी बताई थी, एक जो किनारा होता है वो 4 यूनिट सेल से घिरा होता है, ध्यान आ रहा है, 1/4। तो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मल्टीप्लाई विद 1/4, यानी कि यहाँ पर टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी बनेंगी, 3। किस पे? किनारों पर, एक यूनिट सेल के लिए तो 3 ही है ना, क्योंकि किनारा जो होता है 12 किनारा, जो 12 के 12 किनारे हैं वो 4-4 यूनिट सेल से डिवाइड भी तो होंगे, समझ में आ रही बात? तो एक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टोटल कितनी होंगी किनारे की, 3, और एक कहां पर बन रही है, सेंटर पर, तो बॉडी का सेंटर तो एक ही होता है ना, मैंने आपको पहले बताया, तो 3 और 1 4, तो टोटल कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन गई, 4। एंड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होते हैं एफसीसी में, 4। तो मैं कह सकता हूं अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को मैं एन मान लूं तो एन इज इक्वल टू कितना है, 4, और 4 अभी भी कण भी तो होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ध्यान में आ रही है? तो जब आपको यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख जाए तो समझ लेना उतने ही उसमें क्या होने वाले हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनने वाले हैं। यहां से आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनी है। अब 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनी है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी बनती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, 2n बनती है। टीडी जो बनती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बनती है, वो 2 × n बनती है, मतलब जितने आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे उसके डबल आपके क्या हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, ठीक है? अब आप बोल रहे होंगे कि सर बता के दिखाओ यहाँ पे कैसे बनता है, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनती है, ठीक है? फिर से पकड़ लेते हैं एफसीसी को, देखो मैंने पहले भी कहा है सॉलिड स्टेट इमेजिनेशन से ही आती है, और इमेजिनेशन तभी आती है जब आप वीडियोस को बहुत ध्यान से देखोगे, और ध्यान से देखोगे कि सर ने क्या क्या कहाँ पे किया है, ये नहीं कि एक वीडियो देखी और उसके बाद चौथी वीडियो देखने लग गए, फिर तो पता ही नहीं चलेगा ना, बीच का मटेरियल तो सब गायब है, समझ में आ रही बात? सॉलिड स्टेट को, कंटेंट को जब तक आप एक साथ नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? ये नहीं कि एक वीडियो आज देख लो और एक 15 दिन बाद देख रहे हो फिर सोचो कि हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स पता चल जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं पता चलने वाली, रेगुलरली आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी तभी जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करता हूँ, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनते, देखो पहले टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना के देख लो, उसके बाद ही आपको बनानी आएगी।
टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैसे बना रहा था मैं लास्ट क्लास तक आपने देखा होगा भाई। ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इनका सेंटर को मिला रहा था मैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऊपर रख रहा था, यही तो कर रहा था। मतलब तीन एक ट्राइंगल बना रहे थे और चौथा वाला पार्टिकल उनके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, सपोज टू बी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सपोज टू बी क्या होता ही है भाई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके फेस के सेंटर पर होगा ऊपर वाले, एक इस फेस के सेंटर पर होगा, होगा ही होगा, और एक आपके इस बैक वाले पीछे वाला सेंटर, ठीक है, आगे वाला फेस नहीं है, पीछे वाला फेस। मतलब एक बात मान लो, मेरा हाथ देख रहा है, ये हाथ जो दिख रहा है ये एक कॉर्नर को इशारा कर रहा है, उस वाले कॉर्नर को। आप अपने कमरे में कोई भी एक कॉर्नर ले लेना और उस कॉर्नर के तीन फेस, उस कॉर्नर के तीन फेस को आप देखना भाई, उस कॉर्नर के तीन फेस कौन से होंगे, एक तो छत होगा, ठीक है, छत होगा कि नहीं होगा, उसका फेस भाई, छत भी तो उस कॉर्नर को टच कर रहा है, और एक वो वाला किनारे वाला फेस होगा, होगा कि नहीं होगा, दो फेस, और एक ये जहां पे बोर्ड है, ये तीनों फेस तो जाकर के किसको टच कर रहे हैं, उस कॉर्नर को। बस इन तीन फेसों के सेंटर को देख लो, इनके सेंटर पर तीन गोले हैं, उन तीन गोलों में लाइन खींचो, देखो ऊपर छत से वहां जाओ, वहां से यहां आओ और यहां से छत में जाओ, कैसा दिख रहा है आपको, त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये बन गया आपका त्रिकोण भाई, इन तीनों से एक त्रिकोण यहां पर मिल गया, ठीक है। अब एक जो कॉर्नर होगा उस कॉर्नर पर भी तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, तो इन तीनों त्रिकोण के, मतलब इन तीनों गोलों से जो एक त्रिकोण बना है उसके ऊपर वो चौथा वाला पार्टिकल है, यानी कि यहां पर, बस बात खत्म। इन तीनों गोलों से इसको आप क्या कर दो, मिला दो, तो मिलाने के बाद आपको कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगी। तो यहां पर जो कहीं पर बीच में खाली जगह होगी, इसी जगह को तो हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहेंगे ना, तो ये चीज तो हर जगह होगी ना। इस कॉर्नर, फ्रंट वाले कॉर्नर को ले लो, तो फ्रंट वाला फेस आ जाएगा और दो फेस ये कॉमन रहेंगे। यहां आ जाओ, एक फेस ये रहेगा ऊपर वाला, एक बैक वाला रहेगा और एक ये वाला रहेगा। अब इससे आगे आ जाओ तो फ्रंट वाला फेस होगा और दो यही कॉमन होंगे। तो इस प्रकार से आठ के आठ कोनों पर आप जाकर के क्या कर सकते हो, अगर आठ के आठ कोने पकड़ोगे तो उनके तीन जो फेस होते हैं, जो टच होते हैं, उनके सेंटर को मिलाने पे एक ट्रायंगल बनेगा और ये कॉर्नर जो है आपका क्या दे देगा, उसके साथ एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स दे देगा। कोई सा पकड़ो, देखो ये पकड़ लो, यहां पर टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैसे, ये फ्रंट वाला है कि नहीं है, एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक फ्रंट पर होगा कि नहीं होगा, ये तीनों ऐड होकर के क्या बना देंगे आपका ट्रायंगल बना देंगे, और ये ट्रायंगलर इसके साथ मिलकर के क्या बना देगा, एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स बना देगा। तो हर कोई मिलकर के आपका यहां बना दो, यहां बना दो, कहीं भी बना दो, आठ के आठ कॉर्नर पे आपको आठ के आठ टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेंगे। तो वही तो मैंने आपको कहा था कि द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, सॉरी द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू 2n, n क्या था वहां पे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स चार बन रहे थे। तो हम यहां से एक चीज तो सीख गए कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड इज इक्वल टू 2 × टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उसके बराबर आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे, उसके डबल क्या हो जाएंगे, आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो जाएंगे। तो यहां तक इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट डे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और साथ साथ में एक और नया लेक्चर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।